अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी यमुना वराइच और गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड मॉर्निंग भी नहीं है अभी। यहाँ पे तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और पीछे वेदर देखें, इतना खूब कमाल का आज मौसम हो रहा है। और बस ये ऐसे ही है, जून जुलाई और अगस्त में इंतहाई खूबसूरत मौसम होता है, तो हर टाइम जो है ना ये वाला वेदर आपको मिलता है। इट्स अमेजिंग, कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना मैंने भी नोट नहीं किया। अच्छा जी, ऐसा है कि बस इट्स टाइम टू मूव, मैं भी मूव हो रही हूँ प्लेसमेंट के लिए। और मैं हालांकि यहाँ पे दो सेमेस्टर में यहीं पे थी और मैंने कितनी दफ़ा सोचा कि मैं जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है, क्योंकि उसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और जब मैं भी आ रही थी तो लोगों के मेजर सवाल जो थे वो अकोमोडेशन के हवाले से होते हैं, जैसे मेरे थे। तो मैंने सोचा, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँ, पर वो बस नहीं हो पाया, जब तक अकोमोडेशन में थी नहीं हो पाया। आज बस निकल रही थी, अभी मेरी सारी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, लगेज मैं तकरीबन भिजवा चुकी हूँ और अभी मैं थोड़ी देर में बस टैक्सी जो है वो बुक करने लगी थी स्टेशन जाने के लिए। तो मैंने सोचा फटाफट से एक वीडियो 10-15 मिनट की ही सही, लेकिन जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ, शायद बहुत अच्छी ना बना पाऊँ क्योंकि जल्दी है, अभी तो बस निकलना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की कैसी है, जिस रूम में या जिस फ्लैट में मैं रहती थी, मैं आपको बस वही दिखाऊंगी। और वैसे भी ओवरऑल जो अगर आप देखा जाए तो ये जो मेरा फ्लैट है, मेरा जो कोर्ट था, दिस इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट कोर्ट, और सब लेटेस्ट बना हुआ है, नया बना हुआ है, बिल्डिंग नहीं है। तो बाकी की अकोमोडेशन जी सारी आपको जो नज़र आ रही है, ये सारी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन हैं ये सारी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का पूरा, मैं अभी नीचे ही खड़ी हूँ, तो हर बिल्डिंग का यहाँ पे जो है ना मैं बताती हूँ अभी आपको, बल्कि नेक्स्ट आगे जाके ये पहले दिखाती हूँ और फिर साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। अच्छा जी, ये सब आपने मेरी वीडियो में पहले भी देखा हो। सबसे पहले तो ये उस तरफ से आप आते हैं, यूनिवर्सिटी वाली साइड से आते हैं, तो ये सारी जो आपको बिल्डिंग से नज़र आ रही है सारी अकोमोडेशन हैं। ये दो फ्लैट पीछे, यहाँ से सारी अकोमोडेशन जो है वो स्टार्ट होती है इस साइड से, ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये सारी अकोमोडेशन हैं। इधर से ये सामने फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और साथ ही ओवल है। ओवल जो है ये बेसिकली ऑफिस है इनका, क्या कहते हैं, अकोमोडेशन वालों का ऑफिस है। कोई भी 24/7 होता है, कोई भी इशू किसी भी टाइम हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, आपकी जो अकोमोडेशन के वाले से जितने भी इश्यूज होते हैं वो यहाँ पे आप आते हो। आपने जब आना है तो चाबी वगैरह लेने और ड्रॉप करने भी मैंने देनी है जाते वक्त, सब कुछ इनकी चीज़ें हैंड ओवर जो करनी होती हैं, तो बस अब दे आर द कंसर्न डिपार्टमेंट। ओके फाइन, सो यहाँ से आते हैं, ये सामने आपको जो ये बिल्डिंग नज़र आ रही है बैक से, यहाँ से और इसके पीछे भी काफ़ी 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 बिल्डिंग है, ये सारी की सारी अकोमोडेशन है। मेरे कोर्ट का जो नाम था दैट वाज न्यूटन कोर्ट, और ये क्या होता है जी कि हर बिल्डिंग के नीचे यहाँ पे पीछे भी, हर बिल्डिंग के नीचे बल्कि एक कॉमन रूम होता है, और ये हर बिल्डिंग का एक अपना है। और जो जैसे कि वो सामने एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, मैं इस वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो कि आ रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आना था तो मेरे माइंड में से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब गूगल, मुझे कुछ भी अथेंटिक सॉलिड जो बंदा व्लॉगर हो कोई चीज़ें इस तरह की अपलोड करता है, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो मैं बस आपको बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा हाँ, जैसे कि वो सामने बिल्डिंग है उसका देखें, ये वाला सामने नीचे उसका कॉमन रूम है, सामने वाली बिल्डिंग है उसका नीचे ये कॉमन रूम है। उस बिल्डिंग के जो सारे स्टूडेंट्स हैं दे कैन कम, उन्हीं की जो की होती है उनको अलॉट की जाती है, उसी के साथ ही ओपन होता है और वो वहाँ पर आ सकते हैं। और ये है, मैं आपको अपना दिखाती हूँ अभी, ये है मेरी बिल्डिंग, इट्स न्यूटन कोर्ट, और यहाँ से न्यूटन कोर्ट स्टार्ट होता है और ये एंड तक जो है ना ये यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है, ये सामने गेट है। तो खैर, ये है न्यूटन कोर्ट, इसके ही नीचे है कॉमन रूम, ये देखें इट्स न्यूटन कोर्ट कॉमन रूम, और चाबी बल्कि निकाल ली जाए, ये ओपन होता है जी यहाँ से आपने, दैट्स इट। अच्छा बस ये आप अंदर आते हैं, ये है कॉमन रूम, और ये बड़ा चिल सीन है इनका, यहाँ पे आएँ बैठे, वेदर इतना खूबसूरत हो रहा होता है जब, तो आप यहाँ पे आके बैठे अपना काम करें, स्टूडेंट्स दे यूज़ टू एंजॉय, बस यहाँ बैठे, गेम्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, इनकी जो रैकेट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं वो सामने, मैंने आपको बताया ना कि ओवल इज़ अ कंसर्न डिपार्टमेंट, तो ओवल से स्टूडेंट्स लेके आते हैं अपना आईडी कार्ड दे के, स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा के, दे यूज़ टू कम हेयर एंड दे कैन एंजॉय। है स्पोर्ट्स रूम, ये लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री में मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ, बस ये गेम्स वगैरह का सारा गेमिंग जोन बना हुआ है, ये भी गेमिंग रूम जो है ना वो है, स्टूडेंट्स जस्ट कम एंड प्ले, सो पीसफुल ना, अभी तो वजह ये है कि छुट्टियां हैं यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स आर मूविंग, तो बस ये रश नहीं है। तो ये सारा है जो कि हर बिल्डिंग के नीचे कॉमन रूम होता है, ये सारी फैसिलिटीज, यहाँ पानी पड़ा होता है, अभी छुट्टियाँ हैं तो भी है नहीं, छोटा फ्रिज है यहाँ पर, ओवन वगैरह पड़ा होता है वो भी नहीं है, और हर चीज़ लगी है यहाँ पर, स्टूडेंट्स अक्सर दे यूज़ टू कम एंड दे यूज़ टू सिट एंड मूवीज एंड जो भी वह देखना चाहें। जब मैच वगैरह होते हैं तो यहाँ बड़ी रौनक होती है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ भरे पड़े होते हैं और मैच वगैरह देखते होते हैं। फुटबॉल का मैच था कुछ दिन पहले तो यहाँ पे बड़ा रश पड़ा हुआ था, सारी बिल्डिंग के जो स्टूडेंट्स थे वो नीचे आए होते हैं। तो बस जी, ये है
कॉमन रूम जो कि मैंने आपको बताया कि हर यूनिवर्सिटी हर बिल्डिंग के नीचे उसका है कॉमन रूम, और उसमें सिर्फ उसी स्टूडेंट उसी बिल्डिंग के स्टूडेंट्स हैं। उन्हीं का कार्ड जो है वो हमने आपको दिखाया ना, यहाँ पे स्कैन होता है और वो जाते हैं। ये सामने भी वो है, वो सारी बताया, ये सारी अकोमोडेशंस हैं। और अभी हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, ये है मेरी बिल्डिंग का जो गेट है मेन, ये, और हर बिल्डिंग के नीचे उसका अलग से लॉन्ड्री है। ये है लॉन्ड्री, इसको ऐसे खोल लेंगे, ये ज़रा सख्त है, बड़ा जोर लगवाता है। तो बस ये सीन है लॉन्ड्री वगैरह का, सारा सिस्टम यहाँ पे है। आप इसका आपको कार्ड बनवाना पड़ता है, कार्ड मिलता है आपको, वो दरी ओवल में जाते हो आप, वहाँ पैसे पे करते हो और आपको कार्ड मिल जाता है। इसका चार्ज करते हैं आपको 5.80 लगते हैं इसके टोटल सिस्टम के, वॉशिंग और ड्रायर, ये नीचे वॉशिंग एंड ऊपर ड्रायर है। तो इसके आपको स्टूडेंट्स आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली लाइक 6 pounds फॉर वन टाइम। और बस काफ़ी बड़ी मशीन है, तो आप ये नहीं है कि छोटी मशीन है, इसमें काफ़ी सारे मैं जब आई थी तो मुझे लॉन्ड्री बहुत एक्सपेंसिव लगता था कि इतने 6 pounds तकरीबन 5.80-70 बनते हैं, तो लेकिन अब यूज़ टू हो गए हैं। दूसरा मशीन काफ़ी बड़ी है, तो आप इसमें काफ़ी सारे कपड़े जो है अपने एक साथ धो सकते हो वन टाइम। सो चलिए चलते हैं अभी बिल्डिंग की तरफ। ये है आगे न्यूटन कोर्ट। हाँ ओके, ये आपका पोस्टल का आपका कोई भी अगर आपका जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे फ्लैट्स के नाम बने हुए हैं, मेरा 46 है, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ मेरा पार्सल वगैरह हो तो यहाँ से आपके की अलॉट की जाती है, की ओपन करें और अपना पार्सल आपके नाम पे जो आया हुआ है बैंक वगैरह से इधर उधर से जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन आती है वो इधर आते हैं। जो आपके बड़े पार्सल होते हैं वो ओवल में आते हैं आपके नाम से, वहीं पर ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाते हैं, तो वहाँ से आप जाकर रिसीव करते हो, वो आपको ईमेल करते हैं कि आपका पार्सल आया है, यू कैन रिसीव इट, तो आप उनके टाइमिंग आवर्स के अंदर जाकर रिसीव करते हो। अभी चलते हैं जी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के अंदर, एक मिनट। ये स्कैन होता है, हर बिल्डिंग में कोई स्टूडेंट एंटर नहीं हो सकता, उसकी अपनी की है, ये मुझे की लॉट की गई है, ये मैंने स्कैन किया, ओपन हो गया। तो चलते हैं लिफ्ट से, अदरवाइज स्टेयर्स भी हैं यहाँ पे। देखें ग्राउंड फ्लोर पे कौन कौन से फ्लैट्स हैं, ये वाले मुझे जाना है सेकंड फ्लोर पे, माइनस 46। ये फ्लैट नंबर 40 है, मैं इसके अंदर नहीं जा सकती बिकॉज ये एरर आ गया, अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने अपने फ्लैट्स में आपको जो चाबियाँ अलॉट की गई हैं बस वही हैं। लिफ्ट तो सेकेंड फ्लोर बस मैंने प्रेस कर दिया, और अभी यहाँ पे आजकल जो है स्टूडेंट्स नहीं हैं काफ़ी, मैंने आपको बताया ना काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। छुट्टियाँ हैं 3 months के लिए, जून जुलाई एंड अगस्त, सितंबर में सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो ये है जी मेरा फ्लोर, सामने है फ्लैट नंबर 45। चलते हैं अपने फ्लैट पे, दिस इज माय फ्लैट। ओके, मैं भी आपको बल्कि आगे तो कॉमन रूम में जा रही हूँ, पहले आपको रूम्स दिखाती हूँ, अपना रूम दिखाती हूँ। यहाँ पे टोटल जो है अगर आप देखें तो बस ये 5-6 rooms है, ये मेरे वाला, ये मेरा रूम है दिस वन, और 6 rooms है टोटल, 5 rooms है बस इसके अंदर, और आगे कॉमन रूम है जो मैं अभी आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले चलते हैं रूम में। सो गाइस, दिस इज आवर रूम। सबसे पहले तो आप इसका गंद इग्नोर करें क्योंकि आपको पता है जब शिफ्टिंग हो रही होती है तो काफ़ी मेरा सामान आधा नीचे जा चुका है, ये कुछ यहाँ पड़ा है अभी, और ये मेरी जो रूममेट थी, मैं रहती हूँ यहाँ पे ट्विन रूम में, और जो मेरी रूममेट है वो भी शिफ्ट हो रही है, वो भी शी इज़ गोइंग बैक टू हर होम फॉर 3 months। अच्छा है, तो ये देखते हैं, सबसे पहले आप गंद इग्नोर करें, आप चीज़ें देखें बस जो काम का आपका कंसर्न है। सो यहाँ पे बस ये सिंगल बेड है, और इसकी स्टोरेज स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा, इनकी स्टोरेज जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। बस कपबोर्ड, बस ये सारा कुछ यहाँ पे स्पेस के हवाले से इट्स अमेजिंग। ये भी जो है ये क्या कहते हैं इसको, स्पेस के हवाले से आपको कोई ज़्यादा मसाइल नहीं होता। देखें ये चीज़ें हैं यहाँ पे, साथ आपको ये स्टडी टेबल वगैरह, चेयर और ये ड्रॉअर वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। और ये हमारा अभी थोड़ा रूम मैसी हुआ है क्योंकि अभी बताया ना कि मूव हो रहे हैं, 3 दिन बाद इसकी फ़्लाइट है और मैं तो अभी बस निकल रही हूँ, मेरा सारा सामान जा चुका है। सो ये रूम है बेसिकली, देखिए उनका भी सेट है तो बड़ा ज़बरदस्त। मुझे पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मुझे जो ट्विन रूम है इसकी अकोमोडेशन ज़्यादा पसंद आई है एज़ कम्पेयर टू सिंगल रूम, क्योंकि वो बहुत तंग है, बहुत कंजेस्टेड रूम है। सो इट्स बेटर इफ़ यू स्टे इन ट्विन रूम। तो यहाँ से व्यू आता है, अभी यहाँ से हम ऊपर आए हैं,
यहाँ से व्यू है, सामने भी न्यूटन कोट ही है, यहीं से भी हम स्टेयर्स से ऊपर आए। तो ये है जी रूम जो कि स्टूडेंट्स का बड़ा ही मेजर, मैंने सर्च किया था काफ़ी वीडियो से, मुझे कुछ भी नहीं मिला था इसके ऊपर। तो ये हीटर वगैरह भी लगा हुआ है और वाशरूम, सॉरी छोटा सा वाशरूम है इसका, मुझे वाशरूम से ज़रा उलझन होती थी क्योंकि छोटा है, आदत नहीं है, छोटा सा ये वाशरूम है बस, और दैट्स इट। जो कि आप बस ये दो लोग आपके जो रूम में हैं, जस्ट यू गाइज कैन शेयर, आपको फ्लैट पूरे के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। दैट्स द रूम। चलिए अभी चलते हैं कॉमन रूम की तरफ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो सारे के सारे फ्लैट्स हैं हर बिल्डिंग का, वो स्ट्रक्चर जो ओवरऑल है, ये रूम सेटिंग चीज़ें ए टू जी, कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग इज सेम। ये व्यू मुझे बड़ा पसंद था, कभी कभार ऐसे बंदे आप फ्री हो, आप यहाँ पे खड़े हो के बस, तो मज़ा आता था देखने का भी, बस सामने देखे सारी अकोमोडेशंस। ये है जी कॉमन रूम और आई थिंक अभी कोई स्टूडेंट यहाँ पे है अभी। हेलो इजाद। तो ये है कॉमन रूम जो कि हर बिल्डिंग का किचन और कॉमन रूम इसको कहते हैं। ये भी खाना बना रहे हैं स्टूडेंट्स। ये फुली फर्निश्ड होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो आप ओवन वगैरह देख रहे हो ये सब सेट है, चूल्हे वगैरह यहाँ पे बड़े सेट थे, इलेक्ट्रॉनिक थे, इसका यूजेज कुछ इस तरह से था, इस तरह से जो भी आपने यूज़ करना है उसको यूज़ करें। खैर अभी ये पीछे से ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। है ये फुली फर्निश्ड होता है, यहाँ पे आपको वैक्यूम क्लीनर एंड एवरीथिंग इज हियर। तो ये होता है फ्रिज वगैरह, फ्रीज़र और फ्रिज, ऊपर वाले फ्रिज है, नीचे फ्रीज़र है, तो ये सारा है सेम। ये स्टूडेंट्स ने अमाउंट शेयर करके, तो जब क्रिसमस था तो क्रिसमस के टाइम पे क्रिसमस ट्री बनाया था। तो बस ये है स्टूडेंट अकोमोडेशन जो कि यूनिवर्सिटी के है, जो कि मैं आपको सच बताऊं, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ, जो स्टूडेंट्स वहाँ से आ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन होता है कैसी होगी, क्या करेंगे, और बाहर अकोमोडेशन में रहें और प्राइवेट हो, ये वो सब कुछ। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज़ समथिंग जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर ना आई स्वेयर बाय गॉड आई हैड अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस, और अगर मुझे पता होता कि मतलब बाहर वाली अकोमोडेशन चीप भी पड़ती है, इस तरह से कुछ सीन भी होता, तो मैं ये एक्सपेंसिव भी पड़ती, सॉरी, तो मैं फिर भी यहीं पे रहना पसंद करती। द रीज़न इज़ के यूएसए अकोमोडेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है सेफ्टी के हवाले से। सेफ्टी का तो यार इन कंट्रीज़ पे इशू नहीं होता, फिर भी आप जब आते हो तो आपको इतना आदत नहीं होती, पहले 4-6 महीने लगते हैं सेटल होने में। तो ये इट्स अमेजिंग सेटल्ड, फुली फर्निश्ड, और सफाई का निज़ाम सारा इट्स अमेजिंग, हर चीज़ एक मतलब क्या कहेंगे, लेटेस्ट जो है वो है, किचन अमेजिंग है, बड़ा काफ़ी बड़ा है। और जो मैं जब आई थी तो मेरे माइंड में एक चीज़ ये भी थी कि मुझे ना सिंगल रूम में नहीं रहना, उसकी वजह ये थी कि जब हम आते हैं ना तो हम बिल्कुल अकेले होते हैं, आई मीन पता नहीं होता किस तरह का एक्सपीरियंस होगा, कोई दोस्त नहीं होता, जाने वाले यहाँ पर नहीं होते। तो मुझे ये था कि मुझे कुछ दिन, चूँकि मैंने 10 डेज का क्वारंटाइन किया था जब मैं आई थी, तो मैं आई, आप यकीन माने इतना डिप्रेस हो गई थी ना क्वारंटाइन वाले टाइम पे, क्योंकि मेरी जो रूममेट थी एंजल उसका नाम है और शी इज़ फ्रॉम इंडोनेशिया, और तो मुझे ये डर पड़ता था कि ऐसे डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे कि कोई तो हो जिसके साथ बात आप कर सके, आपको पता है 8-10 दिन वो बहुत टफ था। तो अगर आपको रूममेट अच्छा मिल जाए तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो एंजल जो थी शी वॉज़ अमेजिंग, शी वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव, मैं जब थकी हुई आती थी या वो कहीं से आती थी तो वी जस्ट ट्राई टू अकोमोडेट टू ईच अदर। तो बस ये था। और इसका जो रेंट बनता है, आप इसकी वेबसाइट चेक कीजिए यूनिवर्सिटी की, आपको सिंगल रूम, ट्विन रूम और डबल रूम सबके आपको जो चार्जेस हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। कुकिंग के चार्जेस जो हैं वो हर दफ़ा चेंज होते हैं, और अकोमोडेशन ज़रा सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आप जब इसकी फैसिलिटीज़ देखते हो, आप यकीन माने तो आप कहते हो कि आई थिंक दिस वॉज वन द बेस्ट डिसीजन जो कि मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन पर रहूँ। और आप यहाँ पे आएँ बस, तो अपना काम करें, जॉब करें, आप यहाँ पे बड़ा पुरसकून माहौल होता है और इतना शोर शराबे वाला जो काम है वो नहीं होता। तो जो बाहर वाली, इसमें सब कुछ बिल आपका इंक्लूडेड होता है, कोई चीज़ आपको, यू डोंट हैव टू पे बाय योरसेल्फ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर यूनिवर्सिटी का जो रेंट है उसी के अंदर। सो इट्स अमेजिंग, आई थिंक आपको किसी मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आते हो तो आपको पता है हर चीज़ एक नई होती है। तो जो स्टूडेंट्स बाहर आते हैं ऑफ कैंपस अकोमोडेशन, उनको काफ़ी मसले मसाइल मैंने देखे हैं, मेरे काफ़ी क्लास फेलोज जो थे वो दे यूज टू लिव ऑफ कैंपस अकोमोडेशन, बट दे फेस लॉट ऑफ इशूज़, बिल का इशू, ये इशू, सफाई वाला, आज यह चीज़ ख़राब हो गई है, वो चीज़ ख़राब हो गई है। यहाँ पर कुछ चीज़ ख़राब होती है तो आप वो वाला ईमेल करते हो कि दिस इज़
द प्रॉब्लम काइंडली फिक्स इट, तो वो आपको विद इन लाइक 6 hours समथिंग तो आपको वो रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे कि मैं आई थी तो मुझे मैट्रेस जो था वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, सो आई जस्ट ईमेल देम कि माय मैट्रेस इज़ नॉट कंफर्टेबल, सो प्लीज़ इसको आप चेंज करें. तो वो मैं 4-6 घंटे के बाद ही वो मेरे रूम में आया और वो चेंज करके चले गए. सिक्योरिटी वाइज, सफाई वाइज, स्पेस वाइज एंड सुकून वाइज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीन अगर आप यूनिवर्सिटी कॉम्बिनेशन में आते हो. ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो बाकी हर बंदे का अपना सीन होता है. और हाँ, कुछ लोगों ने सवाल मुझसे पूछा हुआ था कि क्या डिपेंडेंट वीज़े पे जो हस्बैंड आ रहे हैं तो क्या दे कैन आइदर दे कैन लीव और नॉट. तो आई थिंक वो ले सकते हैं. आप कॉमन रूम, आप इनका डबल रूम होते हैं और जो कि डबल बेड वाले रूम हैं, तो वो आप ले सकते हो. येस, यू कैन लिव देयर, आई थिंक सो. आई एम नॉट 100% श्योर, बट प्लीज़ आप इनकी वेबसाइट चेक कीजिए. मैं पहले भी यही कहती हूँ कि इनकी वेबसाइट जो है इस हवाले से काफ़ी अपडेटेड है. आप उनकी वेबसाइट चेक कीजिए और यूनिवर्सिटी की को जो अकोमोडेशन वाले हैं, यू लिविंग के नाम से इनकी वेबसाइट है, या अकोमोडेशन वालों की जो वेबसाइट को सॉरी ईमेल एड्रेस है, आप उनको ईमेल कीजिए कि हमें इस तरह का सीन है. तो क्या, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे एक दो लोगों को जानती हूँ. उनकी यूनिवर्सिटी उनकी डिफरेंट थी, पर वो हस्बैंड वाइफ आए थे तो दे यूज़ टू लिव इन द यूनिवर्सिटी. यहाँ पर भी कपल्स जो है वो काफ़ी रहते भी हैं. तो ये था एक ओवरऑल एक्सपीरियंस. मैं भी निकल रही हूँ, क्योंकि मैंने निकल रहा है, मेरी होगी ये प्लेसमेंट. अभी आगे जाके मैं वीडियोस डालूंगी अपनी प्लेसमेंट के हवाले से, वेयर आई एम गोइंग. सो विश मी बेस्ट ऑफ लक कि सब अच्छा रहे. यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा. मैं प्लेसमेंट के बाद, 1 साल की प्लेसमेंट के बाद मैं जब वापस आऊँगी फॉर माई सेमेस्टर सी, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू स्टे इन यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन अगेन, क्योंकि बहुत बहुत ज़बरदस्त पुरसकून एक्सपीरियंस रहा मेरा. सामने आपने देखा था कि नीचे ग्राउंड्स वगैरह थे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स शाम को खेल रहे होते हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं. लाइब्रेरी है 24/7, तो स्टूडेंट्स यहीं बैठे रहते हैं. एग्जाम्स वगैरह में जो गेम्स हैं, स्केटिंग है, फुटबॉल है और क्रिकेट है, वो खेलते हैं और बस दे यूज़ टू इन्जॉय इट. तो ये था जी ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहने का. और अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो, मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दूँ, जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है, तो कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ड्रॉप कर दें. आई ट्राई टू अकोमोडेट, आई ट्राई टू आंसर. और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. मुझे भी बैग लेना है, क्योंकि टैक्सी करनी और गेटिंग लेट, 2 hours रह गए, मुझे पहुँचना है एयरपोर्ट. बस मैं यहाँ भी की वापस करने जा रही थी ओवल. इतना प्यारा लग रहा था ना इस टाइम, क्योंकि वेदर भी बड़ा खूबसूरत है. तो इसका भी आपको दिखा दूँ, छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर. प्लीज़, लाइफ क्या है ना, लगातार एक जर्नी, लगातार जर्नी, जस्ट हैव टू वॉक वॉक वॉक. कभी कहाँ तो कभी कहाँ, इतनी अनसर्टेन चीज़ें होती हैं बस लाइफ में. ये जिम है अंदर, यहीं पे ये सारा सामने. आई थिंक इसके 20 pounds, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 pounds पर मंथ. दिस इज द ओवल ऑफिस. ये भी 24/7 ओपन होता है. अभी इधर क्यू में लगते हैं और जाके वापस करते हैं. तो मैंने जो है की वापस कर दी है और आई डोंट नो वाई, बट थोड़ी इमोशनल सी फीलिंग हो रही थी. मतलब आप जब एक कंट्री मूव करते हो ना, तो एक नई कंट्री में आते हो, फिर यहाँ पे आके बस ऐसे ही एक नई जर्नी स्टार्ट होती है. आप अकेले आते हो, आप हर चीज़ मैनेज करते हो. आई मीन बहुत मसले आए, बहुत चीज़ें नहीं पता थी, तो कैसे कैसे हर दिन एक नया स्ट्रगल होता था. तो दैट्स इट. कितना प्यारा व्यू लग रहा है पीछे. बस अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्नी थी जो कि काफ़ी अच्छी गुजर गई. रब का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एहसान है ऊपर वाले के. बहुत 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 कुछ सीखा लाइफ का, एक बड़ा मेजर थोड़ा टाइम गुजारा, लेकिन एक लर्निंग के हवाले से जो प्रोसेस था ना, वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी फास्ट था. तो ये है बस. यूके आए और आपको पता है हम तो वहाँ पर, आपको पता है कि हमें वहाँ पर कोई काम हो तो किसी को भी चाचे मामे ताए भाई बहन किसी को कॉल किया कि ये नहीं हो रहा, ये कर दो. तो यहाँ पे हर चीज़ यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. दिस इज़ लाइफ. बाकी मैं जा रही हूँ बाहर स्टैंड तक, पार्किंग स्टैंड जो है ऊपर तक, तो आपको दिखाती हूँ बाकी की बिल्डिंग्स हैं. और एक बात बल्कि आपको और बताऊँ कि बाकी की किसी भी अगर के कोर्ट में जो है वो लिफ्ट नहीं है. न्यूटन कोर्ट चूँकि नया कोर्ट है, इसमें लिफ्ट्स हैं, तो सामान लाने में बड़ा मसला होता है. बस इस लेकिन इस वाले कोर्ट में लिफ्ट है, बाकी किसी कोर्ट में भी नहीं है. तो ये वाली बात भी याद रखिएगा. थैंक यू.
और मेरे हाथ में बैग है, इतनी वीडियो स्टेबल नहीं बनेगी। बहरहाल देखिए, मैं यहाँ पर रही हूँ और बस वीडियो बनाने की तौफीक नहीं हुई। तो ये सारे कोर्ट्स हैं, ये भी न्यूटन कोर्ट है अंदर, ये देख रहे हैं। और मुझे जाना अभी स्ट्रेट है, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं अभी, क्योंकि अभी 4 मिनट वेट आ रहा है। सामने ये टैक्सी स्टैंड है, बस यहीं तक का टैक्सी आ सकती है, गाड़ी वगैरह। तो ये है जी सारा अकोमोडेशन। देखिए हर बिल्डिंग के नीचे उसका जो है ना, इनका अंदर बना हुआ है कॉमन रूम्स वगैरह। तो ये सीन है, आजकल इतनी खामोशी है, उसकी वजह बस यही है कि स्टूडेंट्स घर गए हुए हैं, 3 मंथ्स का ऑफ है, तो वहाँ पे बस चंद ही के स्टूडेंट्स हैं। बाकी स्टूडेंट्स जिनकी प्लेसमेंट्स हैं, प्लेसमेंट्स उन्होंने करनी है, उनका प्लेसमेंट ईयर है, दे आर मूविंग फॉर प्लेसमेंट एज वेल। आई डोंट नो, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है वैसे, नॉट श्योर, बट हाँ लंबी हो जाएगी काफ़ी। तो ये सामने बस टैक्सी स्टैंड है, वो गाड़ी खड़ी है सामने, यहाँ तक गाड़ी आ सकती है। टैक्सी वगैरह उबर वगैरह आप करवाते हो तो यहीं तक आती है, कुछ ऑर्डर वगैरह करते हो आप तो भी वो यहीं तक बस आ सकते हैं। चलिए जी, बारिश भी शुरू हो गई है और निकलना भी है। थैंक यू, खुदा हाफिज़। वीडियो बात काफ़ी लंबी हो गई है, देखें अब आप आराम से। कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर दीजिएगा, आई ट्राई टू आंसर। बाय बाय।